अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह आप सबको खुश रखे हमेशा। आज मैं जा रहा हूँ गंज बलूचिस्तान, आपको गंज के भी सीन दिखाते हैं। इससे पहले मैं गया था पिशुकान और कुछ जगहें हैं जो रह गई हैं, तो मैं इनको आस्ते आस्ते कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को बलूचिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा मेरा जहद है, कोशिश है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये कोशिश मेरा पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और अभी हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, रवाना होते हैं, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं और आपको गंज में सीन दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, हम पहुंच गए पिशुकान। इससे इस रास्ते हम जाएंगे सीधे गंज, और पिशुकान तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखा दिया था, अब गंज की बारी है। और अभी हमने आधा रास्ता मेरे ख्याल में से सफ़र हो गया है हमारा, सिर्फ आधा रास्ता ही बचा है, तो चलिए चलते हैं गंज की तरफ। तो मेरे दोस्तों, यह है गंज। गंज की खासियत यही है कि यहाँ के मकान जो हैं, घर हैं, वो छोटे छोटे से घर हैं और पहाड़ी के ऊपर हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो घर भी दिखाऊं। और अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सर्दी भी है, और यहाँ के मेरे ख्याल में से हाईलाइट तो गंज का यही होना चाहिए कि यहाँ के मकान पहाड़ी के ऊपर हैं। बहुत ही बढ़िया सीन है, और छोटा सा इलाका है, ज़्यादा बड़ा इलाका भी नहीं है। और आप लोगों को दिखाते हैं सीन। और डिस्ट्रिक्ट गजिट्री सीरीज़ का मुतालिया करें तो हमें गंज का हवाला मिलता है, जिसके मुताबिक इस इलाके को जीवनी के लोगों ने आबाद किया था। 1903 में यहां पर 82 घराने आबाद थे, जिनकी आबादी 410 नफूस पर मुश्तमिल था। और इस दौर में
8 बड़े फिशिंग बोट्स थे और 10 कश्तियां थी। 2017 के मर्दमशुमारी के मुताबिक यहां पर 358 घराने आबाद हैं, जो कि 1599 लोगों पर। तो मेरे दोस्तों, ये है मेरे साथ दीदक बलोच, मेरे साथी, और मेरे ख्याल से पिशकान वाले व्लॉग में भी थे हमारे साथ। और दीदक, अभी हम शंघाई, अभी तो हम शंघाई ना, अभी तो हम शंघाई गंज में पहुँचे, अभी हम शंघाई। तो दिखा रहे हैं सीन, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी सीन आप लोगों को दिखाएं। और हाईलाइट तो मैंने बता दी कि हाईलाइट तो यही पहाड़ों के ऊपर गंज के छोटे छोटे से मकाम है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मकाम दिखा सकूँ, ये घर दिखा सकूँ। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सीनरी, बहुत ही सुकून पर अमन इलाका लग रहा है मुझे। और आप आएँ, कभी चक्कर लगाएं, देखें गंज को अपनी नज़र से। और हर किसी का देखने का नज़रिया कोई और होता है मेरे ख्यालों से, शायद आपकी नज़रिया कोई और होगा, मेरा तो नज़रिया कोई और है। मेरा नज़रिया तो सिर्फ आई एम सीकिंग फॉर पीस एंड आई थिंक आई गो। दोस्तों, हम आ गए हैं पिशकान में, हम पहुंच गए हैं, और इससे आगे हम जाएंगे सीधे इस रास्ते गंज बलूचिस्तान की तरफ, गंज की तरफ। और अभी मैं पिशकान में हूं, और पिशकान के सीन मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में दिखा दिए थे, और ऊपर वो आएगा पट्टी